राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गए हैं। दिल्ली में अगस्त महीने के शुरुआती 10 दिनों में ही कोरोना वायरस संक्रमण के 19,760 मामले आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में ये जानकारी मिली है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन की संख्या में करीब 50% का इजाफा हुआ है। दिल्ली में 1 अगस्त को कोविड के 822 मामले थे और संक्रमण दर 11.41% थी, जबकि 2 लोगों की मौत भी हुई थी। 2 अगस्त को दैनिक मामले 1506 आए थे और 3 संक्रमितों की मौत की पुष्टि हुई थी। आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण दर 10.63% थी। इसके बाद 3 अगस्त को मामलों की संख्या 2000 को पार चली गई थी और तब से 8 अगस्त को छोड़कर रोजाना 2000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और संक्रमण दर भी 20% के करीब पहुँच गई है। संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले लोगों की संख्या में पहले की तुलना में काफी बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में बुधवार को कोविड के 2,146 मामले मिले थे, जो कि 180 दिन में सर्वाधिक थे, तथा संक्रमण दर 17.83% थी और 8 संक्रमितों की मौत हुई थी। राष्ट्रीय राजधानी में 13 फरवरी को संक्रमण के कारण 12 लोगों की मौत हुई थी। 9 अगस्त को दिल्ली में 2,495 मामले मिले और संक्रमण दर 15.41% थी, तथा 7 लोगों की जान गई थी। वहीं 8 अगस्त को 1,372 मामले मिले थे, 6 संक्रमितों की जान गई थी और संक्रमण दर 17.85% थी, जो कि 21 जनवरी के बाद सर्वाधिक की। 21 जनवरी को संक्रमण दर 18.04 थी। दिल्ली में बुधवार तक कोविड 19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 8,205 है, जबकि 1 अगस्त को 4,274 लोग इस अपना इलाज करा रहे थे। कंटेनमेंट जोन की संख्या 1 अगस्त 173 थी, जो कि 10 अगस्त को बढ़कर 259 हो गई। 10 अगस्त को 5,549 मरीज घर में क्वारंटीन में थे, जबकि 1 अगस्त को इनकी संख्या 3,161 थी। दिल्ली में बुधवार को जारी बुलेटिन के मुताबिक कुल मामले 19,75,540 पहुंच गए हैं, जबकि मृतक संख्या 26,351 हो गई है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।